व्हाट्स अप गाइज, होप यू आर गुड। तो मुझे स्वागत करुच्चे मोर यूट्यूब चैनल एरुडाइट ओडिशा को। तो जमीक मुझे पूर्व करेंट अफेयर्स वीडियो अपलोड हे, तो आज करेंट अफेयर्स फास्ट वीडियो अपलोड होगा जाऊँगी, जोटा कि आम रही सेप्टेम्बर 1 और 2 तारिखर। तो ये वीडियोटी जो मुझे अपलोड करुच्चा जो मैंने ओपीएससी एएसओ फर्म भर जो मैंने ओ डबल एससी एसआई कि ओ ट्रिपल एससी जो सब अपकमिंग एग्जाम अच्छी एस एस सी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी एवं बैंकिंग जो सब करेंट अफेयर्स अच्छी तापाई जो मैंने प्रिपेयर होती बहुत हेल्पफुल हम। तो चलो तो डेरी नक स्टार्ट करवा सेप्टेम्बर 1 और 2 टॉप करेंट अफेयर्स। तासत आम कि जोड़ा स्टैटिक जीके सब आसो तो आम डिस्कसन करवा। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच कंट्री हाज होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्री एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। सो आंसर हो इंडिया। तो 8th मीटिंग ऑफ एग्री एक्सपर्ट कौटी इंडिया रे होस्ट इंडिया करथला ए वर्ष। तो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक रो फुल फॉर्म कौन, बिम्स्टेक रो आम एटू फुल फॉर्म जानी परिबा। बिम्स्टेक रो फुल फॉर्म होची बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोराल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक रो फुल फॉर्म होची या बिम्स्टेक रे को कंट्री सब मिसिक अच्छा बिम्स्टेकटा को कंट्री को नहीं गठित। तो से गुड़ा कंट्री गुड़ाक आम मन रखिपर इंडिया हो पार थाइलैंड सेमती म्यांमार सर्ट लिखिदे नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका और भूटान। तो ये कंट्री गुड़ा बिम्स्टेक बिम्स्टेक गठित। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर कौन अच्छी, बिम्स्टेक हेडक्वार्टर अच्छी ढाका। ढाका हूँ कार कैपिटाल ना बांग्लादेश। आउ गोटे कथा हूँ फास्ट समिट मीटिंग बिम्स्टेक फास्ट समिट मीटिंग मैंने फास्ट मीटिंगटा यहाँ हूँ 8th मीटिंग। फास्ट मीटिंगटा कौटी होता ना बैंकॉक रे होता। बैंकॉक कार कैपिटल बैंकॉक ना समस्त जानते हो थाइलैंड कैपिटल। यहाँ केबे होता ना जुलाई 2004 रे होता। जुलाई 2004 रे बिम्स्टेक फास्ट मीटिंग होता जोटा कि आमर थाइलैंड कैपिटल बैंकॉक रे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सेकंड क्वेश्चन हू हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बीएसएफ डायरेक्टर जनरल। तो आंसर होची हमर पंकज कुमार सिंह। तो समस्त जानिथियो बीएसएफ रो फुल फॉर्म कौन, बीएसएफ रो फुल फॉर्म समस्त जानिथियो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो एटा कौन, एटा बडे ऑर्गेनाइजेशन जोटा प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान आउ बांग्लादेश। आमर जो पाकिस्तान आउ बांग्लादेश सहित जो बॉर्डर अच्छी तार प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन टाक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ बोली कहा जाए। तो ये जो पंकज कुमार सिंह आमर वर्तमान डायरेक्टर जनरल भाव नुआ निजुक्ति हेले से क्या रिप्लेस कले ना पूर्वर किए थे ना एस एस देसवाल। ये थे एस एस देसवाल रिप्लेस करके किए हेले ना डायरेक्टर जनरल ना आमर पंकज कुमार सिंह एवं संजय संजय अरोरा नाटा मन रखि था। संजय अरोरा आंकु कार चार्ज दिया है चार्ज ऑफ आईटीबीपी, चार्ज ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी रो फुल फॉर्म कौन ना इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रो चार्ज क्या दिया है ना संजय अरोरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा थर्ड नंबर क्वेश्चन को अच्छी सुमित अंतिल हाज वन गोल्ड मेडल इन पारा ओलंपिक्स 2020 इन ह्विच इवेंट। तो कौ इवेंट रे सुमित अंतिल पारा ओलंपिक्स रे गोल्ड मेडल जीसन। तो आंसर कह ना जैवलिन थ्रो। आउ गोटे कथा हूँ पारा ओलंपिक्सटा कौन ना पारा ओलंपिक्सटा हूँ आमर जमीक ओलंपिक्सटा हूँ आथलेट मान गए कंपिटन विभिन्न देशर आथलेट्स मानते पारा ओलंपिक्सटा हूँ डिजेबल्ड पर्सन मान भितर गोटे ओलंपिक यहाँ को पारा ओलंपिक बोली कहा जाए। ए वर्ष 2020 कौटी हूँ समस्त जानते हो टोकियो 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 जापान कैपिटल। तो यही पारा ओलंपिक तो कौटी है ना 2020 टोकियो जापान यहाँ वर्तमान 2020 इवेंट गुड़ा सरी जाइए एवं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु बिकम्स द फास्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड आज आईएयू ऑनरारी मेंबर। तो आंसर कौन हम डोर्जे
आंगचुक डोरचे आंगचुक आईएयू रो फुल फॉर्म कौन आईएयू रो फुल फॉर्म कौन ना इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आर हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ना पेरिस पेरिस कार कैपिटल ना फ्रांस हेडक्वार्टर अच्छी पेरिस रे तो आउ गोटे कथा कौन ना फास्ट इंडियन से आईएयू रो ऑनररी मेंबर किए हैं डोर्जे आंगचुक है आम फास्ट इंडियन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांच नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन विथ व्हिच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट इट्स मेडन मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज तो आंसर कौन हम अल्जीरिया तो अल्जीरिया सहित इंडिया द्वारा फास्ट मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कला तो यहाँ कौटी अल्जीरिया कॉस्ट अल्जीरिया कॉस्ट मेडी मेडिटेरेनियन सीरे अल्जीरियन कॉस्ट मेडिटेरेनियन सीरे यहाँ बर्तमान कौन एक्सरसाइजा कम्प्लीट हो गए कथा हूँ इंडिया को सीप ये भाग नहीं पार्टिसिपेट कर आईएनएस आईएनएस ताबार इंडिया आईएनएस ताबार नहीं इंडिया आउ अल्जीरिया कौन था ना जो सीप नाभाल सीपटा आम एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करता से कौन एजाजर इ डबल जे ए डी जे ई आर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी व्हिच वेब वर्जन हाज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबैंड्री एंड डायरिंग टू एड डायरी फार्मर्स तो कौ वेब वर्जनटा यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबैंड्री एंड डायरिंग द्वारा एड कौन पाई ना डायरी फार्मर कर उन्नति पाई कौ वेब वर्जनटा वर्तमान लॉन्च होई तो हेटा होची ई गोपाल से वेब वर्जन ना कौन ना ई गोपाल आउ ये जो डिपार्टमेंटा ये मिनिस्ट्रीटा जो कहली द यूनियन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबैंड्री एंड डेयरिंग तो आर किए वर्तमान मिनिस्टर किए अच्छा ना परसोत्तम रूपाला मिनिस्टर किए अच्छा ना परसोत्तम रूपाला आउ ये जो वेब वर्जनटा क्या द्वारा डेभलप होती इट हाज बीन डेभलप्ड बाय नेशनल डायरी डेभलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी एनडीडीबी द्वारा ये जो वेब वर्जनटा डेभलप होती यार फुल फॉर्म कौन नेशनल नेशनल डायरी डेभलपमेंट बोर्ड डेभलपमेंट बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को दिवा देखिए कौन अच्छी सात नंबर क्वेश्चन व्हिच आईआईटी इज गोइंग टू लॉन्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स टू टैकल ई वेस्ट तो ई वेस्ट जो आम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गुड़ाक ताको टैकल करिया पई को आईआईटी लॉन्च करछि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना ई सोर्स तो ये दी प्रकार क्वेश्चन पचार कौन लॉन्च करछि एवं को आईआईटी लॉन्च करछि तो एमती क्वेश्चन हो पारे तो आंसर हम कौन ना आईआईटी मद्रास से जो जिनस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ना कौन ना ई सोर्स टू टैकल ई वेस्ट आईआईटी मद्रास लॉन्च करछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा तो आंसर हम कौन हम किए नुआ कि वर्तमान सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा अपॉइंट होती से किए ना डॉक्टर पीपी के रामचारियोलु डॉक्टर पीपी के रामचारियोलु तो आउ गोटे कथा कही रखी राज्यसभा चेयरपर्सन किए ना वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान आमर वाइस प्रेसिडेंट किए अच्छा समस्त जानते एम वेंकैया नायडू तो ये जो सेक्रेटरी जनरल को एम वेंकैया नायडू बामर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कौन करती ना सेक्रेटरी जनरल को निजुक्ति बा अपॉइंट दे था तो आउ कौन हो पार फर्म आ पूर्व किए थे आम सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा किए थे नाटा मन रखी देश दीपक वर्मा देश दीपक वर्मा थे पर किए हेले आमर डॉक्टर पीपी के रामचारियोलु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नो नंबर हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तो जेबी महापात्र कार से अपॉइंट हेले चेयरमैन ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एडा सीबीडीटी बोली कहंती तो सीबीडीटी रे तेले फुल फॉर्म भी पचारियो एग्जाम रे आमे जानि छै लेखि परबा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तो आरा नुवा चेयरमैन किए अपॉइंट हेले ना जेबी महापात्र नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 10 नंबर क्वेश्चन द फास्ट एवर ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलोजी सिंपोजियम हाज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री तो आंसर हम इंडिया ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलोजी सिंपोजियम
ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ରିକ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇସାରିଛି। ୟାକୁ କିଏ ଅନୁରାଗ କଲେ ସରି କିଏ ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଏଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ମିନିଷ୍ଟର ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂର ସେ କ'ଣ ମିନିଷ୍ଟର। ଆଉ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ତିନିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଆମର ଏଫ୍ଆଇସିସିଆଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଫ୍ଟିଆଇଆଇ। ଏଇ ତିନିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବ୍ରିକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଏଫ୍ଆଇସିସିଆଇ ଏଫ୍ଟିଆଇଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ କହିପାରିବି ବ୍ରିକ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ନା ସାଂଘାଇ ଚାଇନା। ବ୍ରିକ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସାଂଘାଇ ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରିକ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ରିକ୍ସର ନାଁ ହେଇଛି। ତ ବିରୁ ଆମର ଆସିଯିବ ବ୍ରାଜିଲ, ଆରୁ ରଷିଆ, ଆଇରୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିରୁ ଚାଇନା। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇଟା ଆଗରୁ ବ୍ରିକ୍ ଥିଲା, ବ୍ରିକ୍ ଥିଲା ଏଇ ଚାଇନା ଯାଏଁ ଥିଲା, ବ୍ରାଜିଲ ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଥିଲେ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏସ୍ରୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏଇଟା ଏବେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ତ ଯଦି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ବ୍ରିକ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ମେମ୍ବର କିଏ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ସେ କେବେ ଆଡ଼୍ ହେଲା ନା 2010ରେ ଆଡ଼୍ ହେଲା। ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସାଂଘାଇ ଚାଇନାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇଆଇଟି ହାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର। ତ ସେ ଆଇଆଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଇଆଇଟି ରୂପାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ୱାର୍ଲ୍ଡ କୋକୋନଟ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୋକୋନଟ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଆମର ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିଜେନ୍ସି ପିପୁଲ୍। ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ। ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 29 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ିଦାସ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ପ୍ଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଗୋଟେ କିଏ ହେବ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ିଦାସ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ପ୍ଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତାର ଫେସ୍ କିଏ ରହିବ ନା ମୀରାବାଇ ଛାନୁ। ମୀରାବାଇ ଛାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ସେ ଜଣେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟର, 49 କେଜି କାଟାଗୋରିରେ ସେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ସିଲଭର୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେମିତିକି ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳ ରତ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଆୱାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଏଇଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ନା ଭାରତ ରତ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ। ଥାର୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଆଉ 2ର କିଛିଟା 13ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ଆଉ 4ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ସହିତ ମ୍ୟାଥ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ରେ। ତ ମ୍ୟାଥ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କେତେଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।